क्लास नाइन्थ की अगली कविता है विंड। विंड यानी हवा, पवन, समीर, वायु। यह कविता मूल रूप से इंग्लिश की नहीं है, अंग्रेजी की नहीं है। इसको एक तमिल कवि ने लिखा है जिनका नाम सुब्रमण्या भारती है, तमिलनाडु दक्षिण भारत में है। उन्होंने तमिल में लिखा था मूल रूप में और इसे ट्रांसलेट किया था एके रामानुजन ने। रामानुजन अंग्रेजी के लेखक हैं, दक्षिण भारत के ही, लेकिन वो अंग्रेजी में लिखते थे। तो एके रामानुजन ने इसको ट्रांसलेट किया, यानी उसका अनुवाद कर दिया अंग्रेजी में। ये मूल रूप से अंग्रेजी में नहीं लिखी गई है, इसे एक तमिल कवि ने लिखा। यह कविता बहुत ही सिंपल है, लैंग्वेज बड़ी सिंपल है, काफ़ी अच्छी भाषा है। और जैसे कि अपने भारतीय संस्कृति में तुम लोग जानते ही हो, एक बात ये रही है कि हम जिस भी प्राकृतिक वस्तु से हमें लाभ है किसी प्रकार का, हम उसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, हम कृतज्ञ रहते हैं, उन्हें हम ईश्वर मानकर, देवी देवता मानकर पूजते हैं। इसीलिए नदियों की पूजा, जल देवता, पवन देवता, अग्नि देवता, पर्वतों की पूजा, क्योंकि हमें पता था, हमारे पूर्वजों को पता था कि ये सारी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ अच्छा देती हैं, हमारा जीवन इनसे। पीपल का पेड़ काटना मना, सोचो अब विज्ञानी लोग ये बात शोध करके जान पाए कि सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है पीपल, कितने जीव जंतु रहते हैं, तो इसीलिए लोगों ने मना किया होगा, इन सारी बातों का ज्ञान था उस समय। तो ऐसे ही एक कविता है, और हिंदी में भी एक दोहा है, इससे इसमें आएगी लाइन अंतिम स्टैंजा में, वो क्लियर कराऊंगा। बहुत ही स्पष्ट, जैसे हवा को अनुभव किया उन्होंने जिस तरह से, तो वो लिखा है। और कितनी तरह क्या क्या होती हैं ये चीज़ें, इसी तरह जीवन में भी बाधाएं आती हैं। थोड़ा सा संदेश है कि हमें बाधाओं के आगे झुकना नहीं है, टूटना नहीं है। अब हम पोयम देखते हैं, फिर उसके साथ हम इसको समझते चलेंगे। क्या होता है कि जैसे जब विंड दो प्रकार की, एक तो होती कोमल हवा, सुंदर हवा, फिर हवा कभी कभी विनाशकारी भी तो होती है। हर वस्तु ऐसे ही है, जैसे वर्षा बड़ी लाभकारी है, कभी कभार विनाशकारी भी तो होती है। अग्नि लाभकारी है, विनाशकारी भी तो होती है। तो हर एक वस्तु में हम उसे कैसे डील करते हैं ये चीज़। तो क्या हम कभी मित्र बन सकते हैं पवन के, या ऐसा कुछ? जब इन्होंने मूल रूप में लिखा था तो इस कविता में काफ़ी डिवोशन का भाव था, भक्ति का भाव था। हम लोग देखते हैं कि क्या हम उनके भावनाओं तक कहां तक पहुंच सकते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts, the wind god winnows and crushes them all, he won't do what you tell him, so come, let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to form the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friends with us, the wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day। फिर से देखो, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, the wind god winnows and crushes them all, he won't do what you tell him, so come, let's build strong homes, let's join the door firmly, practice to form the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friends with us, the wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day। pehle stanza mein कहते हैं, जैसे कि कह रहे हैं, विंड से प्रेयर कर रहे हैं, पवन देव से प्रार्थना कर रहे हैं, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो द बुक्स ऑन द सेल्फ। प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पवन देव, धीरे धीरे आइए, अर्थात धीरे धीरे बहिए, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज,
खिड़कियों के शटर्स को मत तोड़िए। शटर्स तुम लोग जानते हो क्या? जो मतलब कि दुकानों पे बंद, दुकानों पे जो शटर से खींच के गिराते हैं वो भी शटर है। विंडोज शटर की बात कर रहा, खिड़कियों के शटर्स को मत तोड़िए। तुम लोगों ने ऐसे शटर्स के विंडोज इधर नहीं होते, फिल्मों में देखा होगा खिड़की के जो पल्ले होते हैं दरवाजे उसमें ऐसे लंबी 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 ऐसे एक के ऊपर एक करके ऐसे बना रहता है, उसको ऐसे टेढ़ा करते हैं तो दिखता है, फिर ऐसे कर दो बंद हो जाता है। फिल्मों में देखा होगा, तो वो शटर्स कई बार वो कांच के भी बने होते हैं या लकड़ी के भी बने रहते हैं। हम लोगों ने तो असली भी देखा है, पुराने समय में अंग्रेजों के समय में ऐसे मकानों में है, कलकत्ते वगैरह में या कहीं बड़े शहर बनारस में भी कुछ बिल्डिंग्स में है। तो वो शटर्स वो ऐसे खींच दोगे अंदर से तो तुम बाहर देख पाओगे, बाहर से उसको नहीं कोई खोल पाएगा, अंदर से वो सिस्टम रहता है। तो कह रहे धीरे धीरे आइए और ये खिड़कियों के शटर्स मत तोड़िए, डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर्स हैं इसको भी इधर उधर मत उड़ा दीजिए, मत फैला दीजिए। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो शेल्फ पे जो अलमारियों में जो बुक्स लगी हैं, पुस्तकें लगी हैं, इनको भी गिराइए मत इधर उधर। यानी जब हवा तेज चलती है तो ये सारी चीज़ें बिखेर देती हैं, खिड़की विड़की तोड़ देती हैं, धाड़ धाड़ बजने लगती हैं खिड़कियाँ दरवाजे। कह रहे मत, ऐसा मत करिए, ऐसा निवेदन। फिर दिया लुक वॉट यू डिड, अरे देखिए आपने क्या क्या कर दिया। शिकायत कर रहा है कवि, बता रहा है पवन देव से, भाई आपने क्या क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, सबको तो फेंक दिया आपने नीचे, यानी सब कुछ गिरा पड़ा दिया आपने। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, आपने पन्ने फाड़ दिए पुस्तकों के। यू ब्रॉट रेन अगेन, फिर से आपने वर्षा ला दी। तीसरा स्टैंजा, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। वीकलिंग्स एक टर्म है, कवियों को ये छूट होती है कि शब्दों को नया शब्द भी बना सकते हैं। कोई ये टर्म इंग्लिश लैंग्वेज में है नहीं, वीकलिंग्स इन्होंने बना दिया, यानी जो कमजोर हो, जो बहुत कमजोर हो। है बहुत आप चतुर हैं, कमजोरों का आप बड़ा मजाक उड़ाते हैं, कमजोरों को ही सताते हैं। कैसे कह रहे हैं, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल यानी तोड़ताड़ देते हैं, क्रम्बलिंग एकदम मतलब जो कम, फ्रेल वही वीक कमजोर, और क्रम्बलिंग एकदम मिटा देना, ध्वस्त कर देना, जो कमजोर घर है उनको ध्वस्त कर देते। भाई हवा तेज चलती आंधी आती यही ना होता है, कमजोर घरों को ध्वस्त कर दोगे। क्रम्बलिंग बॉडीज, और जो देह जिनकी कमजोर है उन्हें भी गिरा देगो, गिरा देते हो भाई तुम। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स भी होते हैं जो वो लकड़ी के खपच्चे के बने होते हैं, कई बार नाव में भी बने होते हैं, छत पे भी ऐसे राफ्टर्स, जैसे पटरी पटरी ऐसे जोड़ के कुछ भी बना रहे राफ्टर्स, नाव में भी छत पे भी ऐसे राफ्टर्स बनते हैं, उसके ऊपर मड़ई छा दिए या खपरेल छा दिए, तो ये सब तुम तोड़ देते हो, गिरा देते हो, नष्ट कर देते हो। क्रम्बलिंग वुड, वुड भी जो कमजोर, जितने हैं सब कमजोर हैं तभी क्रम्बलिंग करोगे, फ्रेल पहला वर्ड आ गया ना, यानी कमजोर, जो कमजोर पौधे हैं, जंगल हैं, लकड़ियाँ उनको तोड़ दोगे। वुड का अर्थ यहाँ पेड़ भी, लकड़ी भी, जंगल भी। क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, और लाइव को भी, कितने जीवन को भी नष्ट कर देते हो, मिटा देते हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और इन सब के साथ हृदय भी तोड़ देते हो, जिसका जिसका कुछ नुकसान हो जाता है उसका हृदय भी तो टूटता है, तो सब कुछ तो तुम तोड़ते हो, लेकिन किसका, कमजोरों का, वीक का, फ्रेल का। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशस देम ऑल, तो विंड गॉड, ये जो पवन देवता है ना, ये इन सबको विनोज मतलब वही होता है, अलग कर देना, तोड़ देना, गिरा देना, ये सभी कमजोर को गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक कविता सुनो मजेदार, तेज हवा कैसे क्या क्या करती है, ये बच्चों की कविता है, ये भी सुन लो। आंधी जानते हो, तो छोटे बच्चों के लिए पोयम, क्योंकि मुझे कविताएं बहुत प्रिय हैं, और तुम लोगों को ये भी पता होगा कि हजारों तो ऐसे ही सुना देता हूँ, तो ये बच्चों की कविता है। तो आंधी को प्रेम से अंधड़ कह लिया गया, क्या कहा गया, अंधड़। अंधड़ जी आए हैं हड़बड़ हड़बड़, घर घर में मचा गए गड़बड़ कड़बड़, तीन की छतें बोली भड़बड़ भड़बड़, बर्तन सब लुढ़क गए खड़बड़ खड़बड़, बुढ़िया दादी बैठ के करती बड़बड़ बड़बड़। ठीक है, तो देखो ऐसा हुआ, जहाँ भी कुछ गड़बड़ था, कमजोर था, सब वही गिराया पराया, नष्ट किया, तोड़ा फाड़ा, पुस्तकें सब कुछ। अब अगले स्टंजा में क्या कहते हैं, अब कवि कह रहे हैं भाई इतना प्रार्थना कर रहे हो, इतना मना रहे हो, लेकिन माने नहीं पवन देव, तो क्या है, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, जो आप कहेंगे करने के लिए वो नहीं करेंगे, अर्थात ईश्वर अपने मन का ही करेंगे। ये पवन की अपनी शक्ति है, पवन अपने मन के करेंगे। फिर क्या है, सो इसलिए कम, चलो क्या करें,
लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, घर बनाए तो कैसे बनाए, स्ट्रॉन्ग। भाई पवन देव बात नहीं मानेंगे, खुद तैयार होइए, घर बनाइए स्ट्रॉन्ग, एंड लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली। जो दरवाजे गिरा देते तोड़ देते तो उनको भी फर्मली खूब कस के जोड़ो भाई, बढ़िया दरवाजा फिट करो, अच्छी तरह से लगाओ, एंड प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और देह को भी फॉर्म करो, मजबूत बनाओ शरीर को भी, नहीं कि आंधी आए मेरे जैसा आदमी कस के आंधी आए उड़ जाए भाई, दोष दे कि आंधी का दोष है, मतलब अपने आप को ही मजबूत करो। बॉडी का अर्थ केवल अपनी बॉडी ही नहीं है, कोई भी संरचना को हम बॉडी कहते हैं, यानी जो भी संरचना आप बनाइए उसे स्ट्रांग बनाइए। फॉर्म का मतलब वही दृढ़ मजबूत। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट मतलब हृदय को भी दृढ़ बनाइए, यानी कमजोर हृदय के मत बनिए, छोटी मोटी कष्ट मुसीबतों से कष्ट से मत घबराइए, हृदय में भी साहस लाइए, हृदय को भी आप शक्तिशाली बनाएं। डू दिस, और ये कर लीजिए, द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, अगर ये सब कर लिए तो यही हवा हमारी मित्र बन जाएगी, अर्थात हमारा कोई नुकसान इनसे अब होना नहीं। और आखिरी स्टैंजा में कहते हैं, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, अगर कोई कमजोर अग्नि है तो यही हवा उसे बुझा देगी। छोटी सी अग्नि जल रही हो, हवा चलेगी बुझ जाएगी, लेकिन अगर बड़ा आग कहीं से लगा है, बहुत बड़ा आग, तो यही हवा उसको और धधका देगी। रोर एंड फ्लरिश मतलब आग और धधक के और गुर्रा के और चिल्ला के और तेज भले। अच्छा इसी में दोहा भी है हिंदी में, ये भी सुन लो लगे हाथ, सबय सहायक सबल के कोउन निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपहि देत बुझाए। सबल यानी बलशाली, स्ट्रांग, पावरफुल, सब लोग किसकी सहायता करते हैं, पावरफुल की, कौन निबल सहाय, तुम बहुत कमजोर हो, बहुत दीनहीन हो, तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं, हर जगह ही देखते हो, भले तुम सही हो लेकिन तुम निर्बल हो, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, सब तुमको एकदम इसे बनाए रहेंगे। जैसे उदाहरण देते हैं, पवन बढ़ावत आग को, आग लगी है, हवा चलने लगी और तेज आग भड़कती, लेकिन दीपक ही दे तो बुझाया, छोटा सा दीपक है तो वही आग वहां भी, लेकिन उसको तुरंत बुझाया। इसलिए निर्बल मत बनो, कमजोर मत बनो। स्वामी विवेकानंद जी भी यही कहते थे, कमजोरी सबसे बड़ा अभिशाप है, सबल बनो, निर्बलता अभिशाप है, स्वामी विवेकानंद भी कहते थे। फिर अंत में कहते हैं, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, तो पवन देव की मित्रता बड़ी अच्छी होती है, हम हर दिन इनकी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी मित्रता बड़ी अच्छी है, और उनकी मित्रता जीतने के लिए हमें जो भी चीज़ें बनाए, अच्छी बनाए, मजबूत बनाए, शक्तिशाली बनाए, और स्वयं को भी शक्तिशाली बनाए, ठीक है भाई। बाकी हम तो हर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, सब मंत्र हैं, तुम एक तुलसी का पत्ता भी तोड़ने जाओ तो क्षमा मांग के तोड़ने का विधान है, हम नहीं नष्ट करते प्रकृति के, ऐसा नहीं कि पेड़ पौधों को भी नष्ट करने का विधान हमारे यहाँ नहीं, हम तो सबको, सबके प्रति कृतज्ञ। जल देवता, जल पहले क्या, अभी कई घरों में तो कोई पानी ज़्यादा गिरा है लोग डांटते, नहीं नहीं साफ देते हैं भाई, आप व्यय मत करो, हम तो उपभोग नहीं करते कि नहीं एकदम मनमाना उपभोग करें, प्रकृति को नोच खसोट डालें, ये बहुत ही गंदी बात है, हमें प्रकृति का सम्मान करना है, चीज़ों से प्रेम करना है, और हमारी सनातन संस्कृति यही सिखाती भी। ये कविता तुम्हारी समाप्त होती है, इसे दो बार चार बार पढ़ लो, कोई समस्या होती तो अगली क्लास में फिर पूछ लेना, बहुत आसान भाषा में बहुत ही सुंदर कविता, समझ में भी आ गई, यस सर, कोई शंका, नो सर, ठीक, थैंक यू।